मलिक साहब, अभी तक समझ में आया कि रिटेलर बिल्कुल पाक साफ है, होलसेलर पाक साफ है, कंपनी पाक साफ है, हॉस्पिटल पाक साफ है। तो ये बताइए फिर, ब्लैक मार्केटिंग के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी राज्य सरकारों को कि भैया आप ब्लैक मार्केटिंग पे कंट्रोल कीजिए? हवा में लिखी गई ये चिट्ठी? देखिए, अगर ये चिट्ठी लिखी गई है तो डेफिनेटली ब्लैक मार्केटिंग हो रही होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ड्रग कंट्रोलर का भी विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। अगर कोई भी आप 10 डिकॉय कस्टमर भेज दो मार्केट में, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है, केवल उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर इसकी शॉर्टेज है। अब क्या है, किसी का भी परिजन जो कोविड से बीमार है और डॉक्टर उसको पर्ची दे देगा, वो तो बेचारा मारा मारा भागेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। तो इसके अंदर बड़े सारे गैप्स हैं। अगर कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे रही है तो जी फिर कैसे ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर ये हॉस्पिटल से लीकेज होके जा रही है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि इसके अंदर लोगों की जान का भी सवाल है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एक वायल 50,000 का मिलता है तो इसके अंदर कम से कम 6 वायल की आवश्यकता होती है मरीज को पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए। तो 3 लाख रुपए की दवाई हो गई, जबकि इसका बिल्कुल जो सर, प्राइस है वो 4 से 5 हजार का है। जो बिल्कुल इसकी एमआरपी भी लिखी हुई है वो 4 से 5 हजार है। ये बात ठीक है कि भविष्य में आने वाले टाइम में 10,000 आ बिल्कुल जाएंगे, और 100%। वो भी आ जाएंगे, और 4-6 कंपनियां जिनको अलॉट कर दिया गया वो सब प्रोडक्शन कर देंगी। लेकिन अभी के ब्लैक मार्केटिंग जो है वो रुकनी बड़ी आवश्यक है। और इवन अगर बांग्लादेश से भी आ रहा है तो किसके पास ये अच्छा गारंटी है कि दवाई आ रही है या चूना भर के आ रहा है एक उसके अंदर? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं ब्लैक मार्केटिंग और पैसे से ज्यादा मैं ये कंसर्न हूं कि जो बेच रहा है ब्लैक मार्केटिंग में, वो ये दवाई भी बेच रहा है या क्या चीज बेच रहा है? क्योंकि इसका कोई केमिकल टेस्ट तो कर नहीं रहा, वो तो बेचारे खरीद के आते हैं, मरीज पे चढ़ा देते हैं। अब ये वही दवाई है या कोई और दवाई है जो कि मिल रही है? और खासकर इतना टाइट है कि कंपनी सीधा हॉस्पिटल को नहीं, दे रही है, और लीकेज का सबसे स्कोप नहीं है, तो सवाल फिर ये कोई चूना सवाल बेच रहा है क्या? तो सवाल ये सर ये सारी भी चीजों है की। कि हम मलिक, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और जो बेजॉन साहब ने भी कहा कि भाई एनपीपीए क्या कर रहा है, क्या एनपीपीए, क्योंकि देखिए जो दो कंपनियां हमारे पास आई हैं, दोनों कंपनी है, आप सिप्ला का प्राइस देखिए, बेसिक प्राइस जो है 4,000 रुपया है, हेट्रो का है 5,400, 1,400 रुपये का ये गैप अपने आप में बताता है कि कुछ कितना बड़ा अंतर है। 1,400 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है सर। लेकिन छोड़िए, इसमें नैतिक रूप से क्या ये सही है, मैं इस बहस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एनपीपीए पर क्या कर रहा है आप बताइए, उसकी क्या इसमें भूमिका है? देखिए देखिए, बिजॉन साहब ने ये कहा कि ये स्टेप्स मार्च में ले लेने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दवाई जो है, जब से एफडीए ने इसको अप्रूव किया एज एन इमरजेंसी ड्रग, जो कि अभी लगभग महीना पहले किया, तभी से इसकी कवायद शुरू हुई है और तभी से इसकी ब्लैक मार्केटिंग वगैरह शुरू हुई है। आपका ये पॉइंट भी बिल्कुल जायज है कि जो दवाई 4,000 की एक कंपनी बेच रही है तो 5,400 यानी 1,400 का डिफरेंस ये है। और इसके 6 कोर्स, अगर 6 वायल अगर इसको चाहिए होंगे तो 10,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके अंदर प्राइसिंग कंट्रोल क्या है? जब एक एक दवाई 4,000 की मिल रही है तो 5,400 की ये क्यों मिलनी चाहिए? प्लस इसमें ये भी रिसर्च होनी चाहिए कि इस दवाई को अगर हम जेनरिक बना के बेचते हैं, आपने देखा होगा जो जेनरिक दवाइयां हैं वो सिर्फ 1/4 या 1/6 प्राइस की होती हैं, इसको हम जेनरिक दवाई क्यों ना बना के बेचें, क्योंकि इससे बड़ी कोई महामारी नहीं है। तो हो सकता है जो 4,000 की दवाई है वो केवल 1,200 रुपए की उसकी कॉस्ट आए। देखिए, किसी भी दवाई की कॉस्ट इतनी ज्यादा जनरली नहीं होती है, तो इसको जेनरिक हम बना के क्यों ना लेके आए? तो सरकार के पास में काफी सारे प्रावधान हैं बिल्कुल सर, जो कि बड़े जरूरी हैं।